हेलो एवरीवन, दिस इज हरिंदर साहू फ्रॉम किंग रिसर्च एकेडमी। आप सभी लोगों का स्वागत है एपिसोड नंबर 79, यानी कि कल की बात आज। आज हम डिस्कस कर लेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स के, किस लेवल्स पे हमें बाई करना है या फिर सेल करना है। और आज मैं आपको पांच पावरफुल स्टॉक्स बताऊंगा। वीडियो के लास्ट तक रहिएगा और उन पांच स्टॉक्स में एक हफ्ते की उस स्टॉक्स की वैलिडिटी रहेगी। भाई जब भी लेवल्स एक्टिवेट होगा मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। चलिए आगे का ले जाने से पहले रिकैप कर लेते हैं कि कल हमने क्या बोला था वीडियो में, एक दिन पहले बनाया था, और उसका क्या परफॉर्मेंस रहा। चलिए गाइस, सो गाइस देखिए, निफ्टी फ्यूचर्स क्लियर कट बोला गया था आप लोगों को, वंस ब्रेक 570, और आज आपको पता है कहाँ गया है मार्केट, बोलने वाली बात ही नहीं है मेरे भाई। मॉर्निंग में अपने स्टूडेंट्स को हमने चार्ट के माध्यम से टेलीग्राम में, जो हमारा स्टूडेंट्स ग्रुप है, वहां पे डाल दिया था कि भैया क्यों, मेरे को आप लोग को एक हिंट देना चाहूंगा, बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट लगाना, डेली का बैंक निफ्टी का चार्ट लगाना, ऊपर एक लाइन खींचना, उसी लेवल से रिस्पेक्ट करके मार्केट गैप अप खोली, रिस्पेक्ट किया वहीं से की, और वही लेवल्स बैंक निफ्टी भी मैंने आपको दिया था। नाउ यू कैन चेक इट आउट, राइट? एनी डिक्लाइन और पैनिक, आज का जो हमारा मंत्र रहेगा, ओनली थिंक फॉर द बाई। आइए मेरे बड़े भाई, नाउ कल जो कल क्या क्या लेवल्स होने वाले, कल 1 सितंबर है, पहला दिन है मंथ का, तो उसमें क्या काम करने वाले, लास्ट क्लोज 11,359। एनी डिक्लाइन और पैनिक, मंत्रा समझ लेना, एनी डिक्लाइन और पैनिक, ओनली थिंग फॉर द बाई। यस, वेरी 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 क्रूशियल सपोर्ट 11,290, 11,247 एट लोअर लेवल। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू सेल एट ऑल। यस, अबव 11,430 आई विल सी शार्प रैली ऑन कार्ड, अप टू 11,527, 11,570, 11,600, 13, दैट्स इट बॉस। इसके ऊपर आज नहीं जाएगा, इंट्राडे की बात कर रहा हूं, इसके ऊपर आज नहीं जाएगा, और अगर जाएगा तो ऊपर सेलिंग प्रेशर आएगा। तो ये जो लेवल्स है, ऊपर के लेवल्स पे सेल करेंगे, नीचे के लेवल्स पे जो बाई दिया है उस पे बाई करेंगे, मार्केट फटने दो सर। आओ बैंक निफ्टी के स्लाइड में आपको दिखाता हूं थोड़ी सी कहानी। बैंक निफ्टी लास्ट क्लोज 23,660, मार्क माई वर्ड, एनी डिक्लाइन और पैनिक, ओनली बाई एंड सिट रिलैक्स। आवर क्रूशियल सपोर्ट 23,156, 22,900। यस, समथिंग कुकिंग वेरी बिग निफ्टी काउंटर। भाई एक अच्छी न्यूज आई थी बैंकिंग सेक्टर्स के लिए, और आज उसी अच्छी न्यूज के वजह से आप नोटिस करना, मॉर्निंग में सारे बैंकिंग सेक्टर्स टॉप पे खुले थे, बिल्कुल गैप अप खुले थे, राइट? गैप अप खुले, और मैंने आपको पिछले हफ्ते जो लाइव वीडियो आया था उसमें बताया था कि भैया फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में समथिंग कुकिंग वेरी बिग, मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन मूड में नहीं है, और मैंने आपको टॉप के लेवल पे बार बार अलर्ट किया था भाई। और देखो आज बस मार्केट को बोला भी था, मार्केट में बस एक न्यूज चाहिए, और चाइना इंडिया बॉर्डर का जो न्यूज आया, प्लस GDP, प्लस दो तीन चीजें जो और थी, चाइना टेंशन जो था उसके वजह से मार्केट आज गिराता चले गया, पूरा बियर्स का बोलबाला था आज। और मॉर्निंग में ही आपको मैंने क्लियर कट अपने टेलीग्राम में बताया था। एनीवे, समथिंग कुकिंग वेरी बिग, ये पैनिक है ओनली, सिर्फ आप लोगों को अच्छी चीज पकड़ी हुई है, इस पैनिक में आपको डरा के मार्केट से बाहर भगा के फेंक दिया जा रहा है, जिससे कि आप डर के अपना माल लेके निकल जाओ और मार्केट में बड़े प्लेयर्स रॉकेट बनाए। ये एक साइकोलॉजी होती है मार्केट में, ध्यान से समझना मेरे भाई, सिर्फ एक साइकोलॉजी होती है, किस तरह से एक बड़ा प्लेयर आपके माइंड में पेन क्रिएट करता है, पैनिक क्रिएट करता है, और किस तरह से एक बड़ा प्लेयर, वही बड़ा प्लेयर जब उसको गिराना होता है तो आपके अंदर ग्रीड पैदा करता है। ये सीखोगे तब समझ में आएगा। एनीवे, बाजार गिरेगा लेकिन परफेक्ट लेवल और परफेक्ट डेट पर हिस्ट्री रिवील विल रिपीट, और वो डेट आपको मालूम है बट थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा, वो इंडिकेट करता है मार्केट, पूरा चार्ट चीख चीख के बोलता है, चार्ट देखोगे तब समझ में आएगा। बाजार में न्यू हाई लगेगा या फिर कोई इंपॉर्टेंट डेट जो लोगों को याद है,
याद करो कौन से डेट पे गिरा था, पिछले साल या 6 महीने पहले, याद करो। ये लेवल्स पे फोकस कर रहा, कोई बड़ा कैंडल बना था, किस लेवल पे बड़ा कैंडल बना था। एनीवे सर, वो क्लास में हम लोग सिखाते हैं, वहां से बाजार शार्प फॉल होगा। टुडे अबव 23,900, इट विल जूम टू केस 24,256, 24,670 इन पैनिक, बाई एट लोअर लेवल। सिंपल हमारा ये मंत्रा रहेगा। और कल जो मार्केट था मेरे बड़े भाई, देखो आपको कल ही मार्केट में क्लियर कट बोला था आप लोगों को, भैया आप वीडियो देखना सर, उसमें मैंने मेंशन किया, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है। एनीवे गाइस, आइए मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों मार्केट में थोड़ा रिकवरी है, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं राइट हूँ, लेट्स सी हमारा एनालिसिस कल बताएगा क्या हम सही थे क्या हम गलत थे। भाई गैन थ्योरी, GAWD गैन थ्योरी एक बहुत पावरफुल चार्टिंग टूल है, जिसके माध्यम से, गैन थ्योरी के माध्यम से एस्ट्रोलॉजी भी थोड़ी सी इसमें जुड़ी है, टाइम कैलकुलेशन जुड़ा है, थोड़ा डेट वाइज जुड़ा है। तो जो मैं बोलता हूँ टाइम गोल थ्योरी, वो इसी से डेवलप किया है हम लोगों ने। और डेवलप हम लोग कौन होते हैं सर, मार्केट ने डेवलप करके दिया, बस आपको ऑब्जर्व करना है। देखो भाई 5 मिनट के चार्ट में निफ्टी को लगाया है, क्या इसी लेवल पे कुछ बोल रहा है? और एक और चार्ट देखो बैंक निफ्टी का, लुक एट दिस, पहला आर्क, दूसरा आर्क, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और देखो यहीं से गिरा है बॉस, सिक्स्थ आर्क से ही नॉन स्टॉप गया है। और हम जो बोलते हैं जहां से गिरेगा वहीं तक बाउंस बैक आएगा, क्या ये पॉसिबल है? जो हमारे स्टूडेंट्स हैं प्लीज गाइस फोकस करना क्या हम बोलते हैं, और हमने दिखाया भी है कई बार, एक बार नहीं दो बार नहीं कई बार प्रूव किया है। एक और चार्ट देखो, ब्यूटीफुल चार्ट इट इज, 1, 2, 3, 4, 5, पहला तार्क छोड़ दो, फोर्थ आर्क से देखो किसने बाउंस बैक किया, फिर थर्ड आर्क से ही जाते जाते बैंक निफ्टी ने भी, निफ्टी ने तो अच्छा खासा गिराया, बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा गिरा, यानी कि निफ्टी दम लगा के गिरा, लेकिन बैंक निफ्टी जाते जाते थोड़ा सा गिरा, आधा गिरा जितना रिट्रेच हुआ था। बिंगो ऑन टारगेट, हमारा टारगेट, देख रहे हो कैसे इसी आग से घूम रहा है मार्केट। और आपको याद है मैंने इससे पहले भी गैन थ्योरी का एक चार्ट दिखाया था, और उसमें क्लियर कट बोला था फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, और आज प्रूफ आपके सामने है। नो ब्ला ब्ला मेरे भाई, अब ये एडवांस लेवल है, किंग रिसर्च ईगल आई व्यू के भाई, KSEL को नजर रखना, 562, 562 का लेवल है, बजाज फाइनेंस को 6120 का लेवल है, सीमेंस को 1140 का लेवल है, अल्ट्रा सेमको को 3855 का लेवल है सर। ये बजाज, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, बजाज फिनसर्वर का लेवल 6200, ठीक है, बजाज फिनसर्वर का लेवल, ओए ओए आज बाउंस बैक देखो वहीं से। एनीवे 6120, सीमेंस का लेवल 1140, 1130, अल्ट्रा सैम को 3855, 3800, ये चार स्टॉक्स पर नजर रखना, इसकी वैलिडिटी 1 वीक की है। ये 1 वीक में जब ये लेवल पे आएगा सर, बोल रहा हूं सिर्फ वॉच करो प्रॉपरली, देखो दिस इज आवर गोरिल्ला स्ट्रैटेजी कॉल, ये गोरिल्ला के बेसिस पे मैंने निकाला है कुछ ना कुछ। और ये आज मैंने आपको एक और कॉल दी है मेरे बड़े भाई, ये वॉच लिस्ट पे लगा लेना, ठीक है, वॉच लिस्ट पे लगा लेना, और अलर्ट हो सके अलर्ट लगा लेना, इस लेवल पे जब आए आपको एक अलर्ट आ जाए भाई का, ठीक है। और एक गोरिल्ला की स्ट्रैटेजी मैंने आपको ऑलरेडी यूट्यूब में डाल के दी हुई है, आज टेलीग्राम में, जो लोग हमें टेलीग्राम में फॉलो करते हैं, देखिए मेरे बड़े भाई
ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, प्लीज ज्वाइन कर लेना, डोंट मिस दिस टेलीग्राम, क्योंकि मॉर्निंग में सुबह सुबह हम लाइव कॉल्स देते हैं, परफॉर्मेंस देखो सीपीआर का। अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमने लाइव कॉल्स दिए थे, हिंदुस्तान यूनिलीवर में हमारा एसएल हिट हो गया, मैरिको में हमारा एसएल हिट हो गया, जेएसडब्ल्यू छप्पर फाड़ के दिया है, मारुति, जेएसडब्ल्यू, एलएनटी फाइनेंस, ये तीनों स्टॉक गोरिल्ला स्टॉक के अंदर थे। रिजल्ट एंड प्रूफ इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, प्रॉफिट कैलकुलेट करना, पेयर ट्रेडिंग दिया था, निफ्टी को सेल, बैंक निफ्टी को बाई दिया था। मेरे बड़े भाई 2700 का एक में नुकसान, 25000 का एक में प्रॉफिट, कैलकुलेट कर लो, स्टिल यू आर गेटिंग 22000 प्लस प्रॉफिट, 22800 का नेट प्रॉफिट है। एमआरएफ गोरिल्ला स्ट्रेटेजी में 57600 पे बाई दिया, मेड हाई 58200, स्विंग में वो एंट्रेड है, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरा दोस्त। टारगेट लुक एट दिस 59 61 62 500, रोक सको तो रोक लेना, ठीक है। ये लेवल्स हैं गोरिल्ला की। और कल मैंने एक आपको कैमरेला हिडन लॉजिक के साथ एक पावरफुल सेटअप दिया है प्योर इंट्राडे गेम के लिए, और वो ट्रेंडिंग गेम होता है, बड़ा कुछ मिलेगा एक तरफा मार्केट के लिए होता है, वो मैंने आपको दिया भाई YouTube में फ्री ऑफ कॉस्ट डाला है। हमारा एक ही मंत्र है लर्न एंड देन अर्न। तो गाइस इस वीडियो को देखने के बाद आप वो गोरिल्ला स्ट्रेटेजी देखो, आपको आइकन लिंक आ गया होगा, वो गोरिल्ला स्ट्रैटेजी देख लेना, इट्स अ ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी। मेरी स्ट्रैटेजी में 70-80% में भी पैसा बना लोगे, क्योंकि हम लोग जो भी ट्रेड करते हैं एसआरएम के माध्यम से ट्रेड करते हैं। एसआरएम स्ट्रैटेजी मैंने आपको यूट्यूब में डाल के फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। पैसा लॉन्ग टर्म बनाना है एसआरएम, देखना अगर ऐसी खेलना है कबड्डी 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 तो भाई लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ना मेरा जाता पैसा ना आपका जाता, जो जाता आपका जाता, राइट। और अगर और एडवांस लेवल पे सीखना है किस तरह से हम लेवल्स निकालते हैं, कैसे हम लोग मार्केट को रीड करते हैं, कैसे ट्रैपिंग को आइडेंटिफाई करते हैं, बड़ा बिग बॉयस बिग शार्क किस तरह से मार्केट में आपको ट्रैप बिछाते हैं, आपको जाल में बिछाते हैं, और जिस तरह से आप फंसे चले जाते हो, वो अगर सीखना है यू कैन ज्वाइन प्योर प्राइज एक्शन। प्योर प्राइस एक्शन सिखाता हूँ, नो इंडिकेटर नथिंग, सिंपल सी जो यूट्यूब में स्ट्रैटेजी दी है वो नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी कुछ है, सिंपल सा लॉजिक्स सिंपल से ट्रिक्स वो मैं आपको देने के लिए रेडी हूँ, शेयर करने के लिए रेडी हूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 60% साइकोलॉजी काम करती है सर आपके लिए। लाइव मार्केट में आपके चार्ट्स देखेंगे और आप ही के चार्ट्स के माध्यम से आप ही लोगों को पढ़ाएंगे कि भैया देखो आप क्या गलती कर रहे हो, और बड़ा ऑपरेटर कैसे आइडेंटिफाई करता है, क्योंकि जो आप कर रहे हो वो ऑपरेटर को पता है, बट जो ऑपरेटर कर रहा है क्या वो आपको पता है, और आपको जानना चाहिए कि नहीं चाहिए, हजार बार सोचना इस वर्ड को, हजार बार। थैंक यू सो मच गाइस, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अगर चीजें अच्छी लग रही हैं। और बहुत जल्दी टेक्नो फंडा रिजल्ट लेके आने वाले हैं, एल्गो भी वेटिंग कर रहा है, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी बुक कर रखा है, एल्गो भी लॉन्च कर रहा है सर, उसका भी परफॉर्मेंस दिखाना है, बहुत कुछ है सर, बहुत कुछ है देने के लिए। अपना इसी तरह से प्यार देते रहिए और मेरे से प्यार इसी तरह से लेते रहिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइज, स्टे होम एंड स्टे हैप्पी।